हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ग्लोरियस एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के पांच ऐसे सेंटेंसेस जिसको जानने के बाद आप इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन आवर टॉपिक। फ्रेंड्स, यही है वो पांच सेंटेंसेस जिस पर दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बेस्ड होती है। यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर इन्हीं पांच सेंटेंस में टिकी हुई है। दुनिया का कोई भी इंसान इनमें से कोई ना कोई एक सेंटेंस बोल रहा होता है, जैसा कि इस समय मैं पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ, असर्टिव। दोस्तों, इन सभी सेंटेंस को हम एक एक करके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फ्रेंड्स, पहला है असर्टिव, यानी कि कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक से दोस्तों, इसमें हम कुछ कह रहे होते हैं। अगर किसी ने हमें कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम उसका जवाब दे रहे होते हैं या जवाब देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है माय फादर इज अ डॉक्टर। ये दो प्रकार से बोले जाते हैं, सिंपल और नेगेटिव में, यानी कि आप किसी से कोई बात कह रहे हैं या उस बात को आप नेगेटिव में बोल रहे हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस दो तरीके से बोले जाते हैं, सिंपल वे में और नेगेटिव वे में। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, तब ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव कहलाते हैं। आप नेगेटिव में यही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव में बोल रहे हैं तो नॉट होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल में नॉट नहीं आता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इनका हम प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में फ्रेंड्स, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी वाक्य में हम शुरू में क्या कहते हैं उसके लिए व्हाट का यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले हमने इज लगा दिया है, इसका मतलब क्या राजू बीमार है, इज राजू इल। ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। और डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्वेश्चंस को सेंटेंस के बीच में बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में आप कौन हैं। देखा फ्रेंड्स, तो कौन जो डब्ल्यू एच फैमिली है, ये सेंटेंस के बीच में आया है। लेकिन तो फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है इम्परेटिव, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। फ्रेंड्स, इनमें चार प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। हम चार तरीके से लोगों को ऑर्डर देते हैं। पहले में हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे स्टैंड अप, गो, कम, इस तरह के हम ऑर्डर देते हैं। सेकंड में फ्रेंड्स, हम किसी से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी एक तरह का ऑर्डर होता है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर हमेशा आपको प्लीज यूज़ करना है, इसके बाद वर्ब यूज़ करनी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तीसरा है सलाह, हम कभी कभी किसी को सलाह देते हैं, यानी कि ये भी एक आदेश का ही वाक्य है, यू शुड गो होम। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, यहाँ पर हमेशा आपको शुड का यूज़ करना है, यहाँ पे आपका वर्ब आएगी, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगला है परमिशन, यानी कि फ्रेंड्स, कभी कभी हम किसी से आज्ञा लेते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा मे का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, लॉन्ग लिव प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की जय हो, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। फ्रेंड, जैसे कि नए साल पर हम विश करते हैं लोगों को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक,
मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बर्थडे पे हम बोलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। फ्रेंड्स, ऐसे चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, उसी को हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमसे ऐसे वाक्य निकलते हैं, या हम दुखी होते हैं, या जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं, या हमें किसी चीज़ से घृणा होती है, तब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। सेकंड में है अलास आई एम अनडन, यानी कि ओह मैं बर्बाद हो गया हूँ। अगला है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि क्या सुंदर फूल है। फ्रेंड, आपने एक सुंदर फूल देख लिया है तो आप अपने आप मुंह से निकलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलते हैं। और अगला है हाउ फूल यू आर। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कितने बेवकूफ़ हो तुम, इस प्रकार के हम सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इसकी अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना सिखाऊंगा। और अभी आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया है कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, 5 प्रकार के, इनका कैसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, और इनको आप आसानी से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।